हम लोग अगर कभी काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में गए होंगे तो हमने ध्यान दिया होगा कि नंदी जो है वो शिव मंदिर की तरफ नहीं दिख रहे हैं, जबकि हर एक शिव मंदिर में नंदी हमेशा शिव मंदिर की तरफ ही देखते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में वे मंदिर की तरफ न देख करके ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यही प्रमाण है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वह किसी जमाने में काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर वही रहा होगा। ज्ञानवापी का मतलब होता है बहुत ही पवित्र पानी का कुआं जो वहां पर है, तो उसकी वजह से उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है। असल में इन सब की शुरुआत जो है 1192 ईस्वी से शुरू होती है। 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरी लड़ाई में हराया, फिर उसकी लड़ाई जो है हुई पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद से, जो कन्नौज के राजा थे, और मोहम्मद गोरी उनको भी हरा देता है 1194 में। 1195 तक मोहम्मद गोरी की जो सेना थी वो बनारस तक आई, और वहां आकर के उन्होंने, उनकी आर्मी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को खंडहर बना डाला, मतलब तोड़ डाला उसको, लेकिन वहां मस्जिद नहीं बनाई, केवल खंडहर बना करके छोड़ दिया। फिर इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। फिर 1206 में दिल्ली का सुल्तान बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। फिर 1210 में चौगान खेलते समय उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 में इल्तुतमीश सुल्तान बनता है दिल्ली का। उसके शासनकाल में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर, जिसको कि तोड़ करके खंडहर बना दिया गया था, उस जगह पर रजिया नाम की मस्जिद बनाई जाती है। रजिया ये इल्तुतमीश की बेटी थी, और भारत के मध्यकाल के इतिहास में वह पहली महिला सुल्तान थी दिल्ली की, जिसको हम लोग रजिया सुल्ताना भी कहते हैं। लेकिन उसके कुछ वर्ष के बाद गुजरात के एक व्यापारी ने इल्तुतमीश को समझा करके अच्छी तरह से वहां पर उस मस्जिद की जगह पर फिर से काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया। इल्तुतमीश के ही शासनकाल में रजिया नाम की मस्जिद बनी उस जगह पर, काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर, और फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर बनता है गुजरात के एक व्यापारी के सहयोग से। फिर इसके बाद यह मंदिर चलता रहा। उसी समय जौनपुर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक सरकी वंश हुआ करता था। सरकी वंश के शासकों ने 1488 के आसपास, सिकंदर लोधी उस समय दिल्ली का सुल्तान था, उसके भी सहयोग से वह काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से तोड़ दिया जाता है। अब जब लोधी वंश खत्म हो जाता है और मुगल वंश आ जाता है दिल्ली में, तो जब अकबर आता है बादशाह बनकर के, तो उसके शासनकाल में उसके जो सेनापति थे मानसिंह और एक राजा थे टोडरमल, इन दोनों लोगों के सहयोग से इन्होंने अकबर को अच्छी तरह से समझाया, फिर उस जगह पर काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया गया। फिर बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, मंदिर तो फिर से बन गया। लेकिन 1665-66 के आसपास औरंगजेब ने फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, और केवल तोड़ा ही नहीं, वहां पर उसने तोड़ने के बाद अपने ही नाम से मस्जिद बनवाई, और मस्जिद का नाम था आलमगीर। आलमगीर यह औरंगजेब का रियल नाम है, इसी वजह से उस मस्जिद का नाम आलमगीर रखा गया। अब चूंकि वह वहां पर ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी के नाम से वो मस्जिद जो है काफी फेमस हो गई, तो आलमगीर नाम से उस मस्जिद को नहीं जाना, ज्ञानवापी के नाम से ही जानते हैं उस मस्जिद को। अब 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर, जो मल्हार राव की डॉटर इन लॉ थी, उन्होंने वहां पर मंदिर बनाने की फिर से कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। उस समय भारत में वैसे भी अंग्रेजों का शासनकाल आ गया था, तो उन्होंने उस ज्ञानवापी मस्जिद के जस्ट बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, और नंदी को स्थापित नहीं किया, नंदी वही थी। तो जब मंदिर बनवाया, आज की डेट में अहिल्याबाई होलकर की ही बनाई हुई काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो, जहां हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है, अंग्रेजी सरकार इस पर कुछ करती नहीं है, धीरे धीरे डिमांड उठती है अयोध्या की, राम जन्मभूमि की, फिर मथुरा की, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की, उसी तरह काशी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर का भी मामला कोर्ट में जाता है। और आज ये स्थिति है कि अब जो है कोर्ट ने भी, अदालत ने भी हिंदुओं को यह अनुमति दे दी है कि आप ज्ञानवापी मस्जिद में